थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन ताज की ओर से रविंद्र मंच पर मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में जवाहर कला केंद्र में स्थानीय कलाकारों ने मौका नहीं मिलने के कारण कलाकारों ने मुख्यमंत्री स्तर पर लिखित में शिकायत दर्ज करवाने का फैसला किया है। रविंद्र मंच पर वरिष्ठ रंगकर्मियों की 40 से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपना विरोध प्रकट किया है। थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन ताज के अध्यक्ष हिमांशु झांकल ने बताया कि सरकार रंगमंच की विभिन्न विधाओं को उदासीनता दिखा रही है। वहीं रविंद्र मंच पर आने वाले कलाकारों को सरकार की ओर से कोई अनुदान और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में निजीकरण बढ़ता जा रहा है, स्थानीय कलाकारों को कोई प्राथमिकता नहीं मिल पा रही, जबकि बाहर के कलाकारों को लाखों रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जेके के प्रशासन की ओर से लोकरंग जैसे कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के कलाकार प्रभावित हो रहे हैं। बेसिकली जवाहर कला केंद्र में एक बड़ा ही साफ दिखता हुआ चीज़ है कि जो स्थानीय कलाकार हैं, जो लगातार मेहनत करते हैं, उनको तो दरकिनार कर दिया जा रहा है, और जो सेंटर के लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं जो कभी जवाहर कला केंद्र से नाता नहीं था, राजस्थान से जिनका नाता नहीं था, उन लोगों को प्रोग्राम दे दिए जाते हैं, लाखों रुपये का उनको अनुदान दिया जा रहा है, उनको रकम दी जा रही है। अब वो किस तरह की संस्कृति आ रही है वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि स्थानीय लोग तो यहाँ से हटते जा रहे हैं।